सुपौल में लोक आस्था का पर्व छठ को लेकर शांति समिति की बैठक थाना परिसर में आयोजित की गई। थानाध्यक्ष नागेंद्र कुमार और सीओ रविंद्र चौपाल के मौजूदगी में संपन्न इस शांति समिति की बैठक में शहर के गणमान्य लोग व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान छठ महापर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। खासकर छठ घाटों पर साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर कई अहम जानकारी दी गई। पूजा कुमारी आप सबको शुभ उपासना की महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर बेगूसराय जिला वासियों सहित नगर निगम वार्ड नंबर 21 के गरीब गुरबों को एवं समस्त नागरिकों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ मैया की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। पीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से संवाददाता अमरेश कुमार की रिपोर्ट। खास करके जो छोटा छोटा बच्चा जो तैरना नहीं जानता है वो घाट पर न जाए। आप सभी अपने गांव समाज में अलर्ट कर देंगे लोगों को। लोग अपना घर में रहते हैं, परिवार के लोग पूरी पकवान बनाने में लगे रहते हैं, पुरुष लोग मार्केट निकल जाता है पैसा देने लाने के लिए, जो जो मसला लोग बना कर देती है, ये चीज़ की जरूरत है। बच्चा के ऊपर दायित्व दे दिया जाता है कि जाकर के जाओ फलना आदमी जा रहा है। कई जगह ऐसा हुआ है कि घाट बनाने के दरमियान बच्चा लोग डूब गया है, क्योंकि कुछ बच्चा रहता है कि सभी लोग जाकर के कर नहीं सकते हैं। छठ व्रती में हम लोग को ज़्यादा महिलाएं हुआ करती हैं, फिर सभी महिला तैरना भी नहीं जानती रहती हैं। तो आप सभी को यहाँ जानकारी में यदि हो कि फलना घाट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रह सकते हैं, तो जानकारी देंगे आप लोग, ताकि हम लोग प्रयास करें कि वहाँ पर नहीं के बराबर कोई दुर्घटना हो। जैसे कि अभी अध्यक्ष जी कहे हैं कि लेकर सर बैठक की गई है पिपरा थाना अंतर्गत। हम लोग ये छठ महापर्व के आयोजन हेतु शांति समिति का बैठक किए हैं। इसमें कोई बच्चा छठ घाट पर नदी में न जाए, घाट बनाने समय कोई घटना घटित न हो, इस संदर्भ में विस्तृत इन लोगों को जानकारी दी गई है। इन लोगों से भी जानकारी ली गई है कि जहां कहीं भी सेंसिटिव घाट है वो घाट पर हम लोग बेहतर प्रबंधन कर सकें, कहीं कोई तरह की घटना घटित न हो, इस संदर्भ में जानकारी सभी को दी गई है। साथ साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए छठ पर्व मनाना है, इस संदर्भ में सभी को बताया।